वेलकम बैक टू द चैनल एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ अमन। तो गाइज आप तो काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि भाई कि पटना मेट्रो के बारे में कुछ अपडेट दिखाइए। तो गाइज आप देख सकते हैं अभी मैं आ चुका हूं मलाई पकड़ी की तरफ, और यहां पर आप देख सकते हैं इसी जगह से जो मेट्रो है वो अंडरग्राउंड चला जाएगा। तो और जैसे कि आपको पता ही है कि 2025 तक इसके फर्स्ट फेज को चालू करने की बात चल रही है। तो क्या अपडेट है इस प्रायोरिटी कॉरिडोर की, कब तक ये बनकर चालू होगा और अभी कितना काम इसका कंप्लीट कर लिया गया है, ये तमाम चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो गाइस चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना और बिहार के ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं अभी मैं हूँ मलाई पकड़ी के उस पार्ट पर जहाँ से मेट्रो अंडरग्राउंड या एलिवेटेड होगा, और इसके लिए यहाँ काफ़ी सारा काम पूरा भी हो चुका है। आप ड्रोन शॉट में भी देख सकते हैं यहाँ से आगे ये पटना मेट्रो अंडरग्राउंड हो जाएगा। फिलहाल इसके लिए इधर काम होना अभी बाकी है। वैसे पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड वर्क के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊं। तो गाइज आपको पता ही है कि मोइनुल हक स्टेडियम से लेकर पटना यूनिवर्सिटी के बीच TBM मशीन के थ्रू अंडरग्राउंड टनल बनाने का काम चल रहा है। और गाइज करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस अंडरग्राउंड टनल के काम को अभी स्लो कर दिया गया है। एक्चुअली अप्रैल 2023 में ये जब काम स्टार्ट हुआ था तो इस काम को 8 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करने का टारगेट था। बट आपको मैं बता दूं कि नदी किनारे बसे होने के कारण इधर की जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है, और इन्हीं वजह से TBM मशीन को काफी स्लो चलाया जा रहा है ताकि अलाइनमेंट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। और अब उम्मीद है कि मार्च अप्रैल 2024 तक पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस तक ये TBM मशीन अंडरग्राउंड टनल बनाते हुए उस तरफ निकलेगी। तो गाइज अब बात करूँ इस प्रायोरिटी कॉरिडोर की, तो आप देख सकते हैं इधर मलाई पकड़ी से आगे 90 फीट बाईपास होते हुए ये एलिवेटेड जो पार्ट है वो आगे 4 मेट्रो स्टेशन को कवर करेगी, जिनमें मलाई पकड़ी के अलावा खेमनीचक स्टेशन, भूतनाथ स्टेशन, 0 माइल और ISBT मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रायोरिटी कॉरिडोर का फुल अपडेट दिखाऊंगा, साथ ही पटना मेट्रो डिपो की क्या अपडेट है, उधर क्या कुछ काम चल रहा है, वो सब कुछ आज आप इस वीडियो में देखेंगे। फिलहाल बात करूं यहाँ मलाई पकड़ी की तरफ की, तो आप देख सकते हैं इधर जितने भी पिलर हैं उनके ऊपर यू गर्डर की लॉन्चिंग भी लगभग फाइनल हो चुकी है। और गाइज यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा मलाई पकड़ी मेट्रो स्टेशन जिसका काम यहाँ अभी होना बाकी है। वहीं यहाँ से अगर मैं आपको आगे लेकर चलूंगा यानी बाईपास 90 फीट तक, आपको ये यू गर्डर की लॉन्चिंग जो आप ऊपर देख रहे हैं इसे लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। तो गाइज चलिए फिर मैं आपको यहाँ से आगे 90 फीट की तरफ लेकर चलता हूँ और उधर की क्या स्थिति है, उधर क्या कुछ अभी काम चल रहा है उसे भी आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ बाईपास 90 फीट के पास, और यहाँ ड्रोन शॉट में भी आप देख सकते हैं मलाई पकड़ी की तरफ से जो पिलर चला आ रहा है और टर्न लेकर जो खेमनी चक की तरफ मुड़ेगा उसके लिए भी यहाँ पिलर तैयार कर लिया गया है। और यहाँ 90 फीट से वापस से मैं अगर आपको मलाई पकड़ी की तरफ ड्रोन शॉट के थ्रू यहाँ कम्प्लीट हो चुके काम को अगर मैं दिखाऊँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ इन कुछ पिलरों को छोड़कर इस पटना मेट्रो के एलिवेटेड पार्ट तैयार देखने को मिलेंगे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाइज इधर 90 फीट से होते हुए अगर मैं आपको खेमनी चक की तरफ लेकर चलूं तो आप देख सकते हैं ये जो पिलर है इधर टर्न लेता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। और गाइज यहां आप देख सकते हैं बाईपास पर आपको लाइन से कई सारे पिलर तैयार देखने को मिल जाएंगे। वैसे अगर बाईपास के उस तरफ वाले पिलर की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको इसके बारे में कई बार अपडेट दिखाया था, बट जो यहाँ बाईपास के बीचों बीच कई सारे पिलर जो तैयार किए जा रहे हैं उसके भी काम को आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन से कई सारे पिलर आपको तैयार देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली आपको पता ही होगा कि खेमनी चक के पास सेकेंड इंटरचेंज तैयार किया जाना है जिससे होकर आप लाइन चेंज करके अदर डायरेक्शन में जा पाएंगे, यानी रेड लाइन से ब्लू लाइन या ब्लू लाइन से रेड लाइन पर आने जाने के लिए यहाँ आपको मेट्रो चेंज करनी होगी। और उसी के लिए यहाँ पर कई सारे जो ये पिलर आप तैयार देख रहे हैं इसके थ्रू पटना मेट्रो लेन चेंज करते हुए एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। वैसे अगर आपको मैं 90 फीट के तरफ से इसके ड्रोन शॉट को दिखाऊं तो आप यहां देख सकते हैं ये रहा 90 फीट, और यहां से आगे आप खेमनी चक की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मेट्रो लाइन चेंज करने के लिए और मेट्रो स्टेशन तैयार करने के लिए इस बाईपास के बीचों बीच कई सारे पिलर तैयार दिख रहे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंदर सबसे पहले इन्हीं रूट पर मेट्रो चलाया जाना है, सो इधर काम की रफ्तार भी काफी तेज है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आइए आगे भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के पास क्या कुछ काम चल रहा है उसे भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ।
तो गाइज ये रहा भूतनाथ के तरफ जाने वाला रोड, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ भूतनाथ मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए इन पिलर के ऊपर क्रॉसआर्म गर्डर की लॉन्चिंग भी कर दी गई है। यानी गाइज इस प्रायोरिटी कॉरिडोर पर जो पटना मेट्रो चलाने की बात चल रही है उसका काम आप देख ही सकते हैं काफी तेजी से पूरा किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां जो पिलर को तैयार करने का काम है वो लगभग 90% कंप्लीट हो चला है और 10% ही पिलर बचे हुए हैं जिनको तैयार करने का काम अभी कंटिन्यू पूरा किया जा रहा है। तो गाइज आइए अब मैं आपको 0 माइल के पास जो मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे थे उसका क्या अपडेट है उसे भी आप सभी को दिखा देता हूँ। तो गाइज ये रहा आपने पटना के 0 माइल पर तैयार किया जा रहा है मेट्रो स्टेशन, और आप देख सकते हैं आपको यहाँ कुछ नया देखने को भी मिल रहा होगा। आपको मैं बता दूं कि 0 माइल मेट्रो स्टेशन को तैयार करने के लिए सबसे पहले यही काम शुरू किया गया था। पहले इन पिलरों के ऊपर क्रॉस आर्म पियर कैपिंग की लॉन्चिंग की गई थी जिसे आप इन पिलरों के नीचे के साइड देख सकते हैं। वहीं अब आपको यहां इन क्रॉस आर्म पियर के ऊपर एक और पियर कैपिंग को चढ़ाने का काम होता हुआ देखने को मिल जाएगा, और ये भी अब लगभग फाइनल हो चुका है। आप देख सकते हैं सारे पिलर के ऊपर इसकी लॉन्चिंग भी लगभग कर दी गई है। तो गाइस आइए अब मैं आपको यहां 0 माइल से आगे के साइड लेकर चलता हूं, और न्यू ISPT बस स्टैंड के पास जो लास्ट मेट्रो स्टेशन तैयार किया जाना है उसका क्या अपडेट है, और साथ ही पटना मेट्रो डिपो का काम कितना पूरा किया गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि इस पटना मेट्रो की स्टार्टिंग तभी हो पाएगी जब पटना मेट्रो डिपो का काम इधर कंप्लीट होगा। तो आइए मैं आपको न्यू ISBT की तरफ लेकर चलता हूं, और साथ ही न्यू ISBT मेट्रो स्टेशन का काम कितना पूरा हुआ है और पटना डिपो का क्या अपडेट है वो भी मैं आपको उधर चलकर दिखा देता हूं। तो गाइज आप देख सकते हैं अभी मैं आ चुका हूँ बैरिया मोड़ न्यू ISBT बस स्टैंड के तरफ, और आपको मैं बता दूं कि इधर बैरिया मोड़ न्यू ISBT बस स्टैंड के तरफ ये पटना मेट्रो का आखिरी स्टेशन होगा, या इस तरफ से अगर मैं बात करूं तो इस पटना मेट्रो की शुरुआत इसी साइड से होगी। यानी इस न्यू ISBT से पटना मेट्रो 0 माइल भूतनाथ खेमनीचक होते हुए कंकड़बाग मलाई पकड़ी तक पहुंचेगी। वहीं गाइज बात करूं यहां चल रहे काम की तो आप देख सकते हैं यहां इसी जगह पर न्यू ISBT मेट्रो स्टेशन तैयार किए जाना है, और यहां से आगे अगर बाईपास बैरिया मोड़ की तरफ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इन सभी पिलर के ऊपर यू गर्डर की लॉन्चिंग भी यहां आपको कंप्लीट देखने को मिल रही होगी। बस आगे बैरिया मोड़ के पास जो मेट्रो टर्न लेगी उसके लिए अभी पिलर को तैयार करने का काम किया जा रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाइज ये तो था पटना मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर के चल रहे काम का अपडेट। तो आइए अब बात करते हैं यहाँ पटना मेट्रो के जो डिपो को तैयार किया जाना है उसका क्या अपडेट है, काम कितना पूरा हुआ है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ इसी जगह पर इस पटना मेट्रो डिपो का काम किया जा रहा है, और इसी डिपो से निकलकर पटना मेट्रो रेल इस एलिवेटेड पार्ट पर आएगी, और यहाँ ISBT से लेकर मलाई पकड़ी तक इसके प्रायोरिटी कॉरिडोर में इसे चलाया जाएगा। तो गाइस बात करूं कि पटना मेट्रो डिपो का काम अभी क्या कुछ चल रहा है, तो आप देख सकते हैं इधर ISBT से मेट्रो होते हुए इस पटना मेट्रो डिपो के अंदर इन करेगी, और यहां पर आपको कुछ पिलर भी तैयार देखने को मिल जाएंगे। वहीं यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो आपको इधर कंटिन्यू काम होता हुआ देखने को मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि बैरिया चक के पास स्थित ये लगभग 76 एकड़ भूमि पर इस मेट्रो रेल डिपो को बनाने का काम किया जा रहा है, और अब तो यहाँ पर कई सारे काम भी स्टार्ट हो चुके हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि यह सुविधा पटना मेट्रो रेल परियोजना का केंद्र होगा, और ये दोनों प्रस्तावित कॉरिडोर यानी कॉरिडोर 1 दानापुर से खेमनीचक और कॉरिडोर 2 पटना स्टेशन से न्यू ISBT तक को यहीं से कोऑर्डिनेट किया जाएगा। और गाइस बात करूं यहां बनाए जा रहे डिपो की तो काफ़ी हाईटेक बनाई जा रही है इस डिपो को। इस डिपो यार्ड में मेट्रो के पार्किंग, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही वॉशिंग प्लांट, स्क्रैप यार्ड, कंट्रोल रूम, ट्रेनिंग सेंटर, कैंटीन और भी कई सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। और इसके अलावा डिपो की इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए भी एक सब स्टेशन यहां बनाए जाने हैं। इसके अलावा इस डिपो में 2 वर्कश�प और 2 इंस्पेक्शन वे जबकि 8 स्टेबलिंग लाइन होंगी जो 3 कोच वाली 32 ट्रेन और ऑटो कोच की धुलाई कर सकेगी। और गाइस इन सभी चीजों को यहां तैयार करने के लिए बेसिक जो काम होता है उसे स्टार्ट कर दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवा रही है, और गाइस इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 143 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। और बात करूं इसके कंप्लीट होने की तो आपको मैं बता दूं कि इस पटना मेट्रो डिपो और प्रायोरिटी कॉरिडोर जिनमें यहां न्यू ISBT से लेकर मलाई पकड़ी तक वाले पार्ट को तैयार करने का टारगेट 2025 तक का रखा गया है। और गाइस इस प्रायोरिटी कॉरिडोर का काम देखकर कहा सकता है इसे 2025 तक तो आराम से कंप्लीट कर लिया जाएगा। और रही बात पटना मेट्रो डिपो की तो इसका काम भी अब स्टार्ट हो चुका है, तो अब देखते हैं कि इसे कब तक कंप्लीट किया जाएगा। वैसे आगे भी मैं आपको इसका अपडेट दिखाता रहूंगा।
तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये था यहाँ मलाई पकड़ी से लेकर ISBT तक तैयार किए जा रहे पटना मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर और पटना मेट्रो डिपो के चल रहे काम का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना और बिहार की ऐसे ही तमाम अपडेट देखते रहने के लिए। तो मिलता हूं मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।